भागलपुर, नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया में SDPO ने अपराध गोष्ठी में थाना अध्यक्ष को अपराधियों की सूची उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। राकेश राय, ब्रजेश यादव सहित जेल में बंद कुख्यात पर होगी CCA 12 की कार्रवाई। नवगछिया के जेल में बंद कुख्यात अपराधियों पर CCA 12 की कार्रवाई को लेकर नवगछिया पुलिस प्रशासन स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। जेल में बंद कुख्यात अपराधी की सूची तैयार किया जा रहा है। मुख्य रूप से नवगछिया के कुख्यात अपराधी राकेश राय, ब्रजेश यादव, गोविंद शाह जैसे अपराधियों पर CCA 12 की कार्रवाई को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उक्त जानकारी नवगछिया SDPO प्रवेंद भारती ने पुलिस जिले के मासिक अपराध गोष्ठी के बाद प्रेस प्रतिनिधि को दिया। उन्होंने बताया कि CCA 12 की कार्रवाई को लेकर सभी थानाध्यक्ष को अपराधियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी थानाध्यक्ष को दियारा इलाके में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। पिछले दिनों दियारा में पुलिस टीम द्वारा की गई कार्रवाई में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। इन दिनों दियारा में शबनम यादव गिरोह की गतिविधि होने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर मुख्य रूप से शबनम यादव गिरोह की गिरफ्तारी के लिए दियारा में छापेमारी करने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया गया है। SDPO ने कहा कि वैसे अपराधी जो बेल पर बाहर आए हैं और अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वैसे अपराधियों का बेल रद्द करवाने का निर्देश दिया गया है। सभी थानाध्यक्ष को समय व स्थान बदल बदल कर वाहन चेकिंग अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। नवगछिया, गोपालपुर के गोसाई गांव में एक घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति हुई खाक। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाई गांव में शुक्रवार की शाम कलवलिया घाट के समीप मिथिलेश कुमार के घर में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति खाक हो गई। आग लगने के बाद अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहाँ ग्रामीणों के सहयोग से बाल्टी भर भर कर पानी से आग पर बड़ी मशक्कत से काबू पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि संध्या के समय अलाव जल रहा था, उसी की चिंगारी से बगल में रखे जलावन में आग पकड़ लिया और देखते ही देखते आग भयानक रूप ले लिया, जिससे घर में रखा मछली पालन वाला जाल, अनाज, जानवरों का चारा सहित आगजनी में एक बकरी के भी जलकर मर जाने की सूचना है। गोपालपुर के अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल ने बताया कि आग लगने की सूचना मिली है, जिसकी जाँच की जाएगी। नवगछिया में जागृति शाखा को किया गया सम्मानित। नवगछिया के बाल भारती गौशाला रोड में 1 एवं 2 जनवरी को श्री श्याम भक्त मंडल नवगछिया द्वारा आयोजित 30वां श्री श्याम महोत्सव में सहयोग करने हेतु शहर के माड़वाड़ी धर्मशाला में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं सम्मान समारोह में श्री श्याम भक्त मंडल के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा माड़वाड़ी युवा मंच नवगछिया के जागृति शाखा को राधे कृष्ण चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मौके पर माड़वाड़ी युवा मंच नवगछिया के जागृति शाखा के सभी सदस्य उपस्थित थे। गोपालपुर खास महल कचहरी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय के समक्ष किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। पूर्व घोषित आंदोलन कार्यक्रम के तहत तिंटेंगा करारी पंचायत के आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार की दोपहर को पंचायत सरकार भवन से आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर अफसरशाही के खिलाफ नारे लगाए। अंचल कार्यालय के समक्ष आक्रोशित ग्रामीणों को विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने संबोधित कर हर हाल में तिंटेंगा करार स्थित खास महल कचहरी को पूर्व की तरह गोपालपुर अंचल में रखने की मांग की। मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष शंकर सिंह अशोक, जदयू के वरिष्ठ नेता
चिरंजीवी राय सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं मौके पर अंचलाधिकारी गोपालपुर मोहम्मद फिरोज इकबाल ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा जब से ऑनलाइन मोटेशन व लगान का कार्य प्रारंभ हुआ है, विभाग द्वारा अपडेशन किए जाने के दौरान पता चला कि थाना नंबर 47 में 3 पंचायत क्रमशः गोपालपुर अंचल व गोपालपुर के तिनटेंगा करारी व रंगरा अंचल के तिनटेंगा उत्तरी व तिनटेंगा दक्षिणी पंचायत है, जिसका कार्य खास महाल कचहरी से राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जाता था। रंगरा अंचल के 2 पंचायतों के कारण वरीय अधिकारियों के निर्देश पर रंगरा के राजस्व कर्मचारी द्वारा सभी प्रकार के कार्य संपादित किए जाने लगा। बीच में कुछ दिनों तक राजस्व कर्मचारी के नहीं रहने के कारण सीएम के संभावित कार्यक्रम के दौरान कुछ अभिलेख ले जाने के कारण ग्रामीणों को गलतफहमी हो गई। सीओ मोहम्मद फिरोज इकबाल ने बताया कि पूर्व की तरह टिंटेंगा करारी स्थित खास महाल कचहरी से ही राजस्व कर्मचारी द्वारा सभी तरह के कार्य संपादित किए जाएंगे। करारी का कार्य गोपालपुर से किया जाए और टिंटेंगा उत्तरी और दक्षिणी का कार्य रंगरा से किया जाए तो दोनों जगह के कंप्यूटर में मौजा टिंटेंगा थाना नंबर 47 पाया जाएगा। नवगछिया में उर्वरक गोदाम से 400 बोरा डीएपी खाद की चोरी, प्राथमिकी दर्ज। नवगछिया 30 माइल स्थित जैन फर्टिलाइजर एजेंसी भागलपुर के उर्वरक गोदाम से गुरुवार की देर रात अज्ञात चोरों द्वारा 400 बोरा उर्वरक खाद की चोरी कर ली गई है। चोरों ने गोदाम का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संदर्भ में जैन फर्टिलाइजर एजेंसी भागलपुर के संचालक हरिओम शंकर सहाय ने नवगछिया थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिए आवेदन में उन्होंने बताया है कि गुरुवार की मध्य रात्रि चोरों ने गोदाम के शटर का ताला तोड़कर ट्रैक्टर को अंदर ले जाकर ट्रैक्टर पर करीब गोदाम में रखे पीपीएल डीएपी खाद 400 बोरा की चोरी कर ली है। नवगछिया थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33, 73-68-91-47-33। IAS IPS फाउंडेशन क्लासेस अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारे प्रेसिडेंसी आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक पास की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। नवगछिया गांजा तस्करी के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार। कदवा ओपी पुलिस ने गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को मिलन चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक के बारे में थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि वह मधेपुरा जिले के चौसा थाना अंतर्गत खोपड़िया गांव निवासी बनारसी सिंह के पुत्र सियाराम सिंह है, जो कांड संख्या 55/19 में लंबे समय से फरार चल रहे थे। गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नवगछिया गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का विभाग निरीक्षक ने किया निरीक्षण। नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी स्थित गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर का शुक्रवार को विभाग निरीक्षक फणीन्द्र नाथ ने विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य लाल बाबू राय व शिक्षक के साथ बैठक की। बैठक के दौरान विद्यालय के विकास को लेकर चर्चा हुई। मौके पर उन्होंने विद्यालय में नए नामांकन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद थे। नवगछिया के डाकघर में एक सप्ताह से आधार सेंटर है बंद, लोगों ने पोस्ट मास्टर को दिया आवेदन। नवगछिया के पोस्ट ऑफिस में चल रहे आधार कार्ड सेंटर करीब एक सप्ताह से बंद है। आधार कार्ड सेंटर बंद हो जाने के कारण आधार कार्ड बनवाने
आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शुक्रवार को रंगरा प्रखंड के भवानीपुर निवासी आमोद यादव सहित कई अन्य लोगों ने मिलकर नौगछिया पोस्ट मास्टर को आवेदन दिया है। दिए आवेदन में लोगों ने बताया है कि हम लोग मजदूर हैं, सभी लोग लगभग एक सप्ताह से रोज पोस्ट ऑफिस आते हैं और घूम कर चले जाते हैं। यहाँ आधार कार्ड बनवाने के लिए आ रहे मगर यहाँ लिंक फेल कहकर घुमा दिया जाता है, जिससे हम लोगों का मजदूरी भी छूट जाता है। वहीं इसके कारण हम सभी लोगों का हजारों रुपए का क्षति भी हुआ है, जिसको लेकर पोस्टमास्टर को एक आवेदन दिया गया है। वहीं मौके पर अमोद यादव, सदानंद यादव, अमरेंद्र कुमार यादव, दिलो यादव, कुमार यादव, प्रिंस यादव, भवेश यादव सहित कई अन्य मौजूद थे। गोपालपुर अंचल कार्यालय में प्रभारी लिपिक से हुई नोकझोंक, 500 रुपए घूस लेने का लगाया आरोप। गोपालपुर अंचल कार्यालय में शुक्रवार की दोपहर अभिया गांव के निरंजन गुप्ता ने जमीन संबंधी मामले में आवेदन दिया था। वहीं इस मामले में उनके भाई नकुल प्रसाद गुप्ता ने बताया कि भूमि सीमांकन के आवेदन पर जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने व अभिलेख संधारण तथा फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए 500 रुपए घूस नहीं देने पर प्रभारी लिपिक प्रेमचंद्र चौधरी द्वारा मुझ पर अभिलेख चोरी का आरोप लगाकर मुझसे बहस करने लगे। वहीं इस मामले में पूछे जाने पर प्रभारी लिपिक ने कहा कि सारा आरोप निराधार है, सिर्फ सरकारी अभिलेखा का फोटो कॉपी कराने से मना किए थे। बताते चलें कि अंचल कार्यालय में शुक्रवार को दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। चोरी का नाम क्यों बोल रहे हैं? अभिलेख का चोरी हुआ। अरे चोरी का नाम बोल रहे हैं? आप चोर हैं। अरे आप चोर हैं। आप तो घूस मांग के क्या कानून को जाते हैं? कानून कर रहे हैं। कौन मांग रहा था? क्या मांग रहा था? क्या मजा का 500 रुपए मांग रहा है? घर तक में हम का कौन मांग रहा था? भाई बड़ा बाबू जो प्रेम बाबू है, किस एवज में पैसा मांग रहा था? नापी के विषय। और क्या क्या नापी? जमीन नापी। आपका घर कहाँ हुआ? अभिया बाजार। नाम क्या हुआ? हमारे भाई का नाम है निरंजन कुमार। आपका क्या नाम हुआ? नकुल प्रसाद गुप्ता। समस्या क्या आपके जमीन में?